इस पे अल्लाह लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ पर लिखा है आप बताइए, कितना मांग रहे हो? सही दाम बोलो, वो 4 लाख 5 लाख 3 लाख 6 लाख ऐसे नहीं, सही दाम। दो मिनट खामोशी, बोलिए दोबारा बोलिए, आप शायद गलत बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए क्या दाम, सही दाम बोलिए। देखिए लोग आके खरीद भी लेंगे, आपको भी पता है 7 लाख कोई नहीं देगा, बोलिए अच्छा दाम बोलिए। नहीं नहीं आप बताइए, खुश आप भी तो होना चाहिए, धनी आप 4.5 लाख रुपए नहीं, दोस्त ने स्कूल की डांडी मारी, वो आ गया हमारे ब्लॉक में, देखो स्कूल जाने का बोलते और यहाँ पे देवनाथ बकरा मंडी घूमते। माशाल्लाह असदुद्दीन ने बहुत बड़े बड़े बकरे निकाले। असदुद्दीन चेहरा बताइए, बकरे का चेहरा बताइए। कितने में लिया आपने? 52,000 में दो ले लिए। कहाँ से, कौन से बाड़े से? तो ये है आज का काउंट 40,593। कितना बैठा है? 50 किलो का बकरा होगा, कितना मांग रहे हैं? 50 किलो के बकरे स्कूल बंक मारा है? नहीं जाके आए ट्रेन से आए ना तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। आज है 20 जून 2023 और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है और गेटिंग अनलोडेड। सारी गाड़ियों के नंबर GJ से स्टार्ट है, गुजरात से आई गाड़ी है, आई डोंट नो कभी गुजरात और राजस्थान। और आज मैं सुबह आया हूँ, आई हैवंट गॉट एनीबडी बिकॉज मम्मू की सुबह होती है दोपहर 2 बजे, तो इट वॉज बेस्ट टू ट्रैवल अलोन। बहुत कड़ाके की धूप भी है। Okay, on to the first bada that we are covering. It's वाड़ा नंबर 221 और बाड़े के धनी यहाँ पर बैठे खीरा खाते हुए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मक्कन सिंह हूँ जी। मक्कन सिंह कहाँ से आए हो आप? अलवर से आए हैं। अलवर से? हाँ जी। अलवर के बहुत लोग आते हैं क्या? आप लोगों को वहाँ पर कोई लोकल मंडी नहीं होती है अलवर में माल बेचने के लिए, जो आप इतना लंबा सफर करके आते हो? वहाँ भी होता है कुछ, अच्छे घर का फार्म पालते हैं, इसके वजह से अच्छे दाम से बिकता है, इस वजह से यहाँ आते हैं कुर्बानी के लिए बकरा। यहाँ तो वहाँ कुर्बानी कम होती है, हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, इस वजह से। थोड़ा ऊँचा बोलिए, माइक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर बम्बई में बड़े फार्म्स हैं, बहुत सारे फार्म्स हैं। हाँ जी। कई फार्म पे 500 बकरे, किसी पे 1,000, किसी पे 300-400, बहुत सारे। ज़्यादा लोग जो बकरे पालते हैं, मैं देखा हूँ साल भर जो पालते हैं, सोजत पालते हैं, गुजरी पालते हैं, कोटा पालते हैं, ये नस्ल के जो बकरे हैं आपके, जो अलवरी बकरे जो है, ये लोग क्यों नहीं पालते हैं? क्या पसंद नहीं किया जाता है लोग? क्या वजन नहीं पकड़ते उतने? क्या वजह है लोग इतना पालते नहीं है? या इधर ये जंगल में मिलता नहीं है बकरा, वो हमारे जंगल में ही मिलता है ये बकरा। तो अलवर में एग्जैक्टली कहाँ पर आना है अगर किसी को अच्छा चाहिए? अच्छी इनमें देखो हाइट नहीं होती है, जैसे गुजरी बकरों में हाइट होती है, इनमें वैसी हाइट नहीं होती है। अच्छी हाइट का भी मिलता है, कुछ लोग गरीब होते हैं इस वजह से अच्छी हाइट का ले नहीं पाते हैं, इस वजह से वहाँ अच्छे 40,000 के भी वहाँ दाम पे मंडी लगती है बाला हेड़ी में। बाला हेड़ी वो, उस बाला हेड़ी मंडी में से हम बकरे खरीदते हैं, तो हमारी थोड़ी
जिम्मेदार आदमी है, हल्की कीमत के बच्चे खरीदते हैं। तो ये जो है ये खरीदे हुए बकरे हैं जो आप टेस्टिंग के लिए लाए हो, राइट? ये कोई पाले हुए नहीं है आपके साथ? नहीं, पाले हुए हैं। छोटा बच्चे लेके पालते हैं। पाले, अच्छा, छोटे बच्चे लेके मंडी से पाले हो साल भर। ये बात बताइए, देखिए यहाँ पे फार्म वाले जो है महीने का लेते हैं 2,500, 3,000, 3,500 एक बकरा पालने का। आप लोग जब घर पे बकरे पालते हो, ये जंगल में चराने जाते हैं क्या, घर पे अनाज खाने वाले? फार्म बना रखा है। फार्म बनाए, कितना खर्चा आता है एक बकरे पे? बहुत खर्चा आता है। एक अंदाजा बताइए एक महीने में, जैसे यहाँ पे 2,500-3,000 लेते हैं, आप घर पे पालते हो, घर पे फार्म बनाए हो, कितना खर्चा आ जाता है? तो 10 किलो अनाज खा जाता है एक दिन में, और कम से कम 10-15 किलो लौंग खा जाता है। उसमें 25-30-2,800 का भाव में लौंग पड़ती है हमको। लौंग यानी वो हरी पत्ती की बात? हरी पत्ती। और चना वना भी खवाते हैं हम इनको। हरी पत्ती आपको अलवर में क्या भाव पड़ती है? 2,800-2,900 का। फिल्टर वाली क्या, वही भूसे वाली, मट्टी वाली? मट्टी नहीं, साफ सुथरी खिलाते हैं हम इनको। बच्चे जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाते हैं और चना खिलाते हैं, अच्छे देख रेख करते हैं, जिससे कुछ हमारा घर का जिम्मेदारा होता है। छोटे लोग हैं तो बच्चे भी पाल लेते हैं और कुछ जिम्मेदारा भी चल जाता है, कुछ खर्चा पानी हमारा इसमें निकल जाता है, इस वजह से हम पालते हैं। वैसे आपका नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, अगर किसी को बकरे खरीदने हैं तो? हाँ जी। क्या नंबर है आपका? 63-77-77-53-53-1853। नाम क्या बताया आपने आपका? ये मेरे पापा जी हैं, मैं उत्तम सिंह हूँ, ये मक्खन सिंह। मक्खन सिंह जी, मक्खन सिंह जी, देखिए मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, ना ही एक एक बकरा पकड़ के बताओ, ऑन एन एवरेज कितने किलो की पट्टी है यार? ये बकरा हमारा 90-95 किलो का, ये वाला तो लग रहा है बड़ा बकरा है, हाइट में भी है मेरे यहाँ से 40 की हाइट का बकरा है। कितने दांतों पर है ये? 6 दांत। आंडू है ये? खस्सी का डाला आपने? ये एक आंडू, ये एक आंडू है ना? हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। 4 दांत है। देने वाला दाम बताओ, देखो भाव तोल वाला नहीं कि लोगों को पता चले कि ये दाम है, क्योंकि अभी इतनी बंबई में लोकल मंडियाँ लग रही है, अभी लगेगा भाई देवनार में आना फायदेमंद हो। आप बताएं ये 90 किलो का जो बकरा है कितने में दे दोगे आप? ये इसकी हमने अब कुर्बानी की वजह से तो इसकी 65,000-70,000 मांग कर रखी है। देने वाला दाम बताओ, देने ये 60-62,000 रुपए में, 60-62,000 में दे देंगे भाई। ये बोल रहे हैं, आई एम श्योर आप आओ नेगोशिएट करो, कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, 2-4 हज़ार का फैसला रखते हैं हम। ठीक है, अंडू हो गया, चलो खस्सी बताए, कोई कोई कम बजट वाले हैं जिनका इतना वो नहीं है बजट, कोई सस्ती कुर्बानी करना चाहते हैं, जैसे ये हल्का बकरा खड़ा है, ये मेरे ख्याल से होगा 35-40 किलो का, ये वाला, ये वाला 40 किलो, ना ना 60 किलो का नहीं है, 40-45 कितना, 40-45 का होगा। कितना मांग रहे हो आप इसके? 32-33 हज़ार रुपये। ओके, तो मंडी टाइट ही बोलेंगे फिर तो सर। आपका क्या कहना है, जो लोग यहाँ पे बेचते 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 550 किलो, ये किलो वाले से आपका नुकसान हुआ है कि फायदा है? है जी, इसमें हमारा 400 रुपये किलो बेचा लोग, 400 तो नहीं अभी बेचते बम्बई में, 450 अब तो बकरा है 550। लॉकडाउन में तो आप लोग ही आए थे अलवर से, लोकल मंडी में 425-400 रुपये किलो में बेचे थे आप लोगों ने? नहीं, यहाँ ही था देवनार के पास ही हर साल बेचा। जी जी जी, लॉकडाउन में भी आया था 2-3 दफा, हाल बेहाल हो गया था तब तो। अच्छा, 450-450 ऐसे बेचा था, भारी बकरा 500 और हल्का बकरा 450। अच्छा, ये बार बताइए मंडी का हाल कैसा, सुविधाएं कैसी मिली आप लोगों को? सुविधा बढ़िया, आपकी साल सुविधा है, पिछले सालों से तो अच्छी सुविधा मिल रही है, हर साल सुधार हो रहा है, सुधार आ रहा है। एक ये है लाइट है आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए, पोर्ट वगैरह है, वो हो गया, कोई 3-3, 4-4 बाड़ा में एक एक लाइट लगी हुई है। थोड़ी पानी की व्यवस्था में दिक्कत आ रही है बच्चों को, क्यों पानी भर भर के लाना पड़ता है, कभी न लाता है कभी नहीं आता। जी जी जी, जिस वजह से 100-100 बकरे हैं तो एक एक दो दो घंटा हमको लाइन में लगना पड़ता है। अच्छा, ये बात बताइए, आप आ रहे हो राजस्थान से अलवर से, वहाँ की गर्मी बर्दाश्त करने लायक है कि यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करने? फिलहाल तो साहब यहाँ की गर्मी ज्यादा है, ज्यादा है ना, बम्बई की गर्मी बहुत है, इतनी उमस है यहाँ पर, आपको पसीने पसीने बहुत आते होंगे। गर्मी है कुछ बकरों के जो गैस निकल, हीट निकलता है उससे ज्यादा गर्मी बढ़ती है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या, बहुत लोग बकरों से ज्यादा इंसान लोग है, अगर एक बकरा खड़ा है तो 50 लोग आ रहे हैं देखने के लिए। अच्छा, ये बताइए जो खरीदार आता है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो आप?
वो इन संदेश यही देना चाहते हैं, हमारे पास अच्छे बकरे हैं, अच्छी नस्लों के बकरे हैं, अच्छे दामों से आएं और ले जाएं। क्या चीज़ आपको खरीदार की परेशान करती है? बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते होंगे, कुछ लोग ऐसे आते हैं करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना दो दो बात किया, सौदा बड़ा पसंद लगा ले गया, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो झंझट करने के लिए, जिसने लेना नहीं वो मोट बजक मार के टाइम पास करके वापस भी निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को तो परख लेते होंगे भाई कौन सा बंदा कैसा है। हाँ, वो जान ही लेते हैं। कई बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर मस्ती मारने के लिए परेशान बहुत करते होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी टोटल बकरे लाए कितने आपने? हम 98 बकरे लाए। 98 वहाँ से यहाँ पे लाने का खर्चा कितना हो गया? मैंने ये भी सुना हूँ कि अभी गाड़ियों पे लिमिट है, पहले गाड़ियों में एक बकरे बहुत ज्यादा बकरे आते थे, अब कम हो गए। फट में गाड़ी आ रही है तो करीबन 1.5-2 लाख का एक गाड़ी बैठ रहा है, बकरा थोड़ा आ रहा है। कितने बकरे आ जा रहे हैं उसके अंदर? उसके अंदर 90-95 कैड़ा बच्चा आता है। महंगा पड़ जा रहा है, महंगा पड़ जा रहा है। और आपकी साल बकरा पड़ेगा हमको 3,500 खर्चा समेत, मतलब बकरा के पीछे 3,500, और पहले हमारे बकरा पड़ता था 2,500 रुपए करीबन खर्चा आता था। कुछ पुलिस वाले लोग हैं वो हमें बहुत ज्यादा तंग करते हैं बकरों को देखकर, जब पुलिस का खर्चा ज्यादा है, हर पुलिस वाला कोई हजार, हर एक बंदा तो ऐसा नहीं होता है, बहुत से पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। हाँ, कई अच्छे भी मिलते हैं वो। अच्छा तो टोटल कितने बकरे लाए और बचे कितने? अभी कितने बिके? 20-25 बकरे भाई। अच्छा कल ही आया आप? कल ही है। ये आपके पसंद का वाड़ा मिला है कि कोई भी उठा के दे दिया आपको? नहीं, बारिश से आता है, नंबर वाइज आता है। बाहर मिल गया, अच्छा है आपको? नंबर वाइज मिल, आप खुश नसीब हो गया बाहर का ही मिल गया है ना, लोग देख लेते हैं। आप क्या बारिश गिरने वाली है आजकल में? तो शायद मौसम ठीक हो, आपको बरसात गिरेगी तो हम परेशान होंगे, बरसात के अंदर पानी तो आएगा ही। मेरे से अब सुविधा थोड़ी बेटर हो गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो प्लास्टिक भी लगा है और ना, वैसे भी अच्छी व्यवस्था है, सुविधा तो बढ़िया है, ये अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। तो अच्छी है, लेकिन बम्बई की बारिश आप जानते हो कैसी होती है, ज्यादा होती है ना, बहुत होती है बम्बई की बारिश। इस साल कम बारिश होगी क्योंकि मौसम अब बारिश का ऐसे मत बोलो, पता चला अभी 2 घंटे बाद शुरू होगी ऐसे। हाँ, बम्बई की बारिश कभी कम नहीं होती है। हाँ, बरसात बम्बई की आने में कोई टाइम नहीं लगता। हाँ, थोड़ा सा बादल हो या और बरसात हो जाती है, हमारे उधर ऐसे नहीं है। जी जी, जब तक तापमान नहीं बढ़ेगा तब तक बरसात नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये इनके बकरे बहुत बहुत बतला लिए हमने इनसे, अगर आपको लेना है अलवरी बकरे सारे के सारे, अलवरी बकरे हैं। कितने किलो से कितने किलो के मिल जाएंगे यहाँ पे? ये सबसे हैवी है, 90 किलो वाला, ये सबसे वजनी है अंडू। 70 किलो, 80 किलो। ये आने के बाद कितना वजन तोड़े है आपके बकरे पर? कम से कम 10 किलो, 10 किलो बच्चा टूट जाता, 10 किलो टूट गया है ना, 4 दिन गाड़ी में आता है। जी 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 जी, कुछ मरा है बकरा? नहीं मरा नहीं, मरा है, शुक्र है, झूठ नहीं बोलते, मरा नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, जिस किसी को भी चाहिए आइए नंबर 221। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए हर साल की तरह हमारे को चांद तारे देखने मिलते हैं, अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है वैसे बकरे देखने मिलते हैं, कुदरत का करिश्मा कहेंगे या व्यापारियों की इंटेलिजेंस कहेंगे, चमड़े बेचते हैं बकरे नहीं, क्या बोलेंगे आप? बकरे ही बेच, बकरे ही बेच रहे हो, नाम क्या है आपका? अजरुद्दीन खान। और अजरुद्दीन कहाँ के रहने वाले? राजस्थान अलवर जिला, गाँव वाला होगा। अलवर वाले लोग कहते हैं कि अलवर वाले बड़े चतुर है, सावधान रहिए अलवर वालों से। ऐसा कुछ नहीं, नहीं माल का माल, माल का माल। अलवर वाले ने ये लेके आया है, क्या नाम है इसका? ये बकरे का कौन सी नस्ल है? ये तोतापुरी। तोतापुरी, और इसमें खास बात क्या है? इस पे अल्लाह लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा है आप बताइए, कहाँ पर मुझे बताइए? तो आपको नहीं पता है, आप दूसरों से पूछ रहे हो कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर, ठीक है। और है कितने दांतों पर? ये दो दांत पर है। आपके हिसाब से बहुत साफ, मुझे इतना साफ नहीं दिख रहा है लिखा हुआ, लेकिन आपको लगता है कि लिखा हुआ है, खैर आप, हम मना नहीं करेंगे। तो दो दांत पे है, कान छोड़िए आप ये वाला, ठीक है, अल्लाह लिखा हुआ है। आप होगा मेरे ख्याल से 30-35 किलो का बकरा होगा। कितना मांग रहे हो? सही दाम बोलो, वो 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 6 लाख ऐसे नहीं, सही दाम। दो मिनट खामोशी, बोलिए दोबारा बोलिए, आप शायद गलत बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए, क्या दाम? सही दाम बोलिए, देखिए लोग आके खरीद भी लेंगे, आपको भी पता है 7 लाख कोई नहीं देगा, बोलिए अच्छा दाम बोलिए, जो मन खुश होगा उसमें देंगे।
नहीं नहीं आप बताइए, खुश आप भी तो होना चाहिए धनी। आप साढ़े चार लाख रुपए, इतना आप 20 सेकंड में साढ़े कितना लाखों रुपए गिरा डाले आपने। नहीं, आप बोल रहे थे, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, फिर और कम होगा फिर। ठीक है, साढ़े चार लाख रुपए मांग रहे हैं। वैसे है कौन सा वाड़ा नंबर ये? 220 नहीं नहीं 221 के सामने है बिल्कुल, 221 यहाँ पे है। 189 है अजहरुद्दीन का, अजहरुद्दीन अलवर वाले, और सिर्फ साढ़े चार लाख रुपए का। अजहरुद्दीन क्यों लेना चाहिए लोगों को साढ़े चार लाख रुपए में? क्यों लेना चाहिए बोलिए आप इस पे? जब अल्लाह लिखा है तो आप तो खुद कुर्बानी करते हो ना, फिर तो ऐसे जानवर की कुर्बानी तो आपको करनी चाहिए। नहीं, हम कर सकते हैं, हम भी तो इन पैसों वाला रास्ता में लगाएंगे। किस काम में लगाओगे? आईफोन लोगे? आईफोन तो है हमारे पास। अरे माशाल्लाह, आईफोन तो है हमारे पास। आईफोन तो है, आईफोन तो है। चलिए तो ये लीजिए आप, नंबर क्या है आपका? नंबर 7240 7240 706 706 776 776 और 704 एक नंबर मिसिंग है। 7040 7046 706 776 776 7040 706 776 अजहरुद्दीन नाम है, और अजहरुद्दीन ने सिर्फ साढ़े चार लाख रुपए मांगे। कान छोड़िए अजहरुद्दीन, कान से क्या आपकी, ठीक है? आपको लगता है लोग बिक जाएगा? सच बताइए, बिकेगा आपको लगता है? साढ़े चार में लेकिन बिक जाएगा जो भी। हाँ चले, 12,000 किसने बोला? किसने 12,000 बोला? देखो गजब करते हैं लोग आपके। इससे बात कर, क्या नाम है आपका? आपने 12,000 क्यों लगाया इसका? झूठ बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अंदर आओ, बच्चा दिखा दें आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निकालिए बकरा, क्या 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 कुछ नहीं, दोस्त ने स्कूल की डांडी मारी, वो आ गया हमारे व्लॉग में। देखो स्कूल जाने का बोलते और यहाँ पे देवनार बकरा मंडी घूमते। मिल गया एक मिल गया। होगा क्यों आज स्कूल की डांडी मारे? त्योहार है ना, त्योहार के लिए। चलो कोई बुरी आदतें नहीं कर रहे, बकरे ही देखने आए, विच इज़ नॉट बैड। ठीक है, आइए। माशाल्लाह बहुत जानदार बकरा है, बहुत अच्छे बकरे, वेरी गुड। कितने दांत पे हैं? छह दांत पे बताइए, दांत बताइए। माशाल्लाह अजहरुद्दीन ने बहुत बड़े बड़े बकरे निकाले। अजहरुद्दीन चेहरा बताइए, बकरे का चेहरा बताइए। मेवाती बकरे? हाँ मेवाती। कितने दांतों पर है ये? चार दांतों पर। ये चार दांत पे? नहीं नहीं, ये तो चार दांत पे, मेरे ख्याल से पूरे किया होगा। आठ दांत पूरा क्या है? पूरा ये पूरे दांतों, ये पूरे दांत पे, ठीक है, ये पूरे दांत पे। ये बहुत बड़ा बकरा है, मेरे ख्याल से 110-120 किलो के बीच में है, 125 है शायद, उतर गया होगा थोड़ा अभी ट्रैवलिंग में, 125 उन्होंने वहाँ पे करा है। और हाइट जो है 38-39 की हाइट है, 40 है, ठीक है, शायद अभी झुका हुआ खड़ा हुआ है। बताइए कितना मांग रहे हो, ये बड़े वाले का कितना मांग रहे हो? बोल भाई अजहरुद्दीन बोलो। 1,22,000 रुपये। और ये वाले का? 1,02,000। तो इतना ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के दाम में। क्यों वैसे? ये वजन में कितना होगा? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, मैं तो बहुत वजन कराया हूँ बकरे, मेरे हिसाब से 90-95 किलो का नहीं, वहाँ पे बनाया होगा अभी ट्रैवलिंग में, उतर गया होगा, ऐसे हो सकता है ना, उतरता है जानवर 10-15 किलो तो अभी। ठीक है, थोड़ा चला के बताइए, चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं? चला के नहीं, ऑलमोस्ट 100 किलो का लग रहा है माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ा बकरा है। कॉल कीजिए, नंबर क्या है आपका? 99-82-85-23-53। आराम से घाई क्या है? 7,40,706-776। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई साहब क्या नाम है आपका?
इस्माइल बादशाह। इस्माइल भाई कहाँ के रहने वाले हो? अपने मानपुर पीएमजी। अच्छे बकरे लिए, कितने में लिया आपने? 52,000 में दो ले लिए। दो लिए। कहाँ से, कौन से बाड़े से? राजबाड़ा। ये बकरा बहुत जानदार मिले, अच्छे मिले। नहीं दे बोल के मेरे ख्याल से 60-65 किलो के बकरे है। अच्छा मिल गया यार इनको, अच्छे रेट में मिला माशाल्लाह। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे, आमीन। अच्छे मजबूत बकरे, कितने दांतों पर है ये? बहुत अच्छे बकरे, मुबारक। थैंक यू, थैंक यू सर। तो ये है आज का काउंट 40,593 और 2067 बकरे बिके। चलिए बाड़ा नंबर 14 S5। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इस्लाम। और कहाँ से आए हो आप? बरेली शरीफ। बरेली शरीफ से। और लाए कौन सी नस्ल के बकरे आपने? तोतापरी है, अजमेरी है। तोतापरी अजमेरी बकरे। कितने लेके आए हो, कितने बिक गए दो दिन में? कब आए वैसे? परसों आए हैं। तो कितने बकरे लाए थे, कितने बिके? 11 बच्चे लाए थे। 11 बकरे बेचने के लिए कोई बरेली शरीफ से इतना दूर क्यों आएगा? वो हमारे पास इतना बेनिफिट नहीं है, तो वो जितना बेनिफिट है। बट यार वहाँ पे भी तो मंडी लगती होगी ना? हाँ मंडी लगती है। तो वहाँ पे अभी आपने 10 बकरे के लिए इतना खर्चा, कितना खर्चा कर डाला? और गाड़ी में जो है सब आए थे ना, सबके थोड़े थोड़े। अच्छा, सबके थोड़े थोड़े। कितना खर्चा आ गया एक बकरे को यहाँ पर लाने के लिए? कम से कम जो है 1,000-1,500 रुपये खर्चा आ जाता है। 2,000। तो इतना महंगा नहीं, 12,000 आपका गया, 12-13,000 रुपये है ना। 10-12 बकरे लाए हो ना आपने, और बिके कितने? बिके गया, एक बच्चा बेचा है। क्यों ऐसा, इतना बुरा हाल क्यों? प्राइस आप बहुत अनुचित प्राइस मांग रहे हो, बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। इसीलिए तुम क्या दाम के बकरे मिल जाएंगे लोगों को? ये बकरे दोनों के जो है इनकी मांग है 1,25,000 रुपये। जैसे ये बकरा जो है देने वाला दाम बताओ यार। आप ऐसे ऐसी बात मत करो, हम भी बहुत सालों से बकरे की वीडियो बनाते हैं। देने वाला दाम बताओ। ये बकरा बैठा है 50 किलो का बकरा होगा, कितना मांग रहे हो 85 किलो के बकरे? इस बकरे के मांग रहे हैं साहब हम 40,000 रुपये। 40,000 रुपये मांग रहे हो? क्यों ऐसा, ये दाम क्यों, क्यों इतना दाम? इतना दाम जो है माल और तो माल आएगा तो दाम कम हो जाएगा। तूफान से मान लो बारिश वरिश से हर जगह पानी भर गया ना, दिक्कत आ रही है। मारा बहुत गया। बकरा मारा बहुत गया बाड़े में। कहाँ? बाड़ में बकरा मारा बहुत गया, रेगिस्तान में, इतना अजमेर फिल्म में जहाँ जाए। बकरे तो आ तो बहुत रहे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो रुको। गुजरात में आज पहली तारीख है ना, ये पहली तारीख है। गुजरात में बाढ़ आ गई है, दिक्कत आ रही है इसमें बहुत। वो साइक्लोन आया था, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वो साइड रेट बहुत हाई है। तो 50,000 रुपये ये बकरे के मांग रहे हैं, इनका दाम सुनिए। लेकिन आजकल आप देखते होंगे, देखो इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, लोकल फार्म वाले 500 रुपये किलो, 550 रुपये किलो, 600 रुपये किलो। कोई देवनार क्यों आता है उसको सस्ता मिले बोल के? अब आप ऐसा मांगोगे इसका, देखो 50 किलो का जानवर का आप मांग रहे हो 60,000 रुपये, 40,000 रुपये। कितना रुपया हो गया फिर भी? कितना रुपये किलो हो गया? 900 रुपये किलो के हिसाब से हो गया, वजन के हिसाब से। आप नहीं बेचते हो लेकिन दुनिया बेच रही है ना, तो दुनिया तो वही देखेगी ना कहाँ से सस्ता है। कुर्बानी के टाइम पे ही हर जगह तो लोग यही बेच रहे हैं ना भाई। तो दूसरे बकरे भी तो जो वजन से बिक रहे, क्या वो खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो खूबसूरती का भी तो कोई, एक एक लाख का ले जा रहा तो वो भी तो ले जाएगा। बट वो वजनदार भी है ना बकरे। कितना वजन होगा? 60 किलो का, 70 किलो, 60 किलो के बकरे के मैंने नहीं देखा कोई 1,00,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, आमी का उसमें तो मान लो 1,000 रुपए किलो बिकता है। लोग बोलते हैं कि भाई लूट मचा रखी है फिर देवनार में, फिर रुकोगे आप बारिश गिरने का, फिर उसके बाद आपके लिए तो सही होगा, ग्राहक के लिए शायद सही नहीं है। ग्राहक के लिए भी सही है, 50 किलो के बकरे का 40,000 देना अगर आपको लगता है ग्राहक के लिए ठीक है, तो शायद आप सही हो आपके हिसाब से। ठीक है ना, मांगते ये है दे देंगे कम में, 32,000 का बिक जाएगा। ये हुई ना बात, 25,000 का बिक जाएगा, 26 का बिक जाएगा, जो बात करेंगे। ठीक है, ये हुई ना बात। ठीक है, सो ये बरेली का दाम, बरेली वालों का दाम सुन लीजिए, अलवर वालों का दाम भी बता दिया, मुंबई वालों का भी दाम पता है फार्म पे कितने के बिक रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये जो है मैंने इनको समझाया कि भाई इनके बेनिफिट के लिए वीडियो बन रही है, तो अभी ये सही दाम बताएंगे। चलिए आइए, उठिए, एक एक बकरा उठा के बताते हैं। ठीक है, आइए आइए, चलिए
क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम है वाहिद हुसैन। और नंबर क्या है आपका, फोन नंबर किसी को कॉल करना हो तो खरीदने के लिए? मेरा नंबर है 97-20-66-38-47। ठीक है, चलिए सबसे पहला बकरा ये उठाइए जरा, आराम से आराम से सोनू, आराम से आराम से। ठीक है, आंडू बकरा है तकरीबन मेरे ख्याल से 45-50 किलो का बकरा है। कितने दांतों पर है ये? 2 दांत का बच्चा है सर। कितना मांग रहे हो इसका? इसका मांगा है साहब हमने 32 हो जाएगा, 32,000 प्राइस कम हो जाएगा जी। ठीक है, ये वाला बड़ा खूबसूरत बकरा है, कौन सी नस्ल का है ये? ये तोता परी बच्चा है सर। तोता परी आंडू है, आंडू है। और कितने दांतों पर है ये? 2 दांत का बच्चा है सर। 2 दांत का है? 2 दांत का है। 2 दांत मेरे ख्याल से 37 हाइट का होगा। कितना मांग रहे हो इसके साथ? मांग रहे हैं 35,000। 33,000 गुड प्राइस, इसलिए कम हो जाए। अब हुई ना बात, अब मजा भी आ रही है वीडियो बनाने जी जी, है ना? ठीक जी, चलिए तोतापुरी। ये भी तोतापुरी बच्चा है? ये तोतापुरी बच्चा है। कितने दांतों पर है ये? 2 दांत का बच्चा है। ये मेरे ख्याल से 55 किलो का होगा। ये 55 किलो का होगा, तो इसके मांग रहे हैं सब 35,000। 35,000 कम हो जाएगी, तो मांग रहे डिमांडिंग प्राइस पे नेगोशिएट आप कर लो। सारे अंडू लेके आए हो क्या? आराम से मारो, मत मारो मत बकरों को। ठीक है, इसका कितना? इसके साथ 42,000 रुपए। और ये कितने दांतों पर है? ये भी 2 दांत है। नस्ल कौन सी है ये? तोता परी नस्ल है। क्रॉस में है क्या थोड़ा? जी जी हाँ, ये दुर्रम है, यानी क्रॉस किया है तोता परी। ओके ओके। और ये वाला कौन सा? अजमेरा है? ये अजमेरी है सर। अजमेरी अंडू है ये भी? ये भी अंडू है। ये थोड़ा वजन में कम है, 40-45 किलो का होगा। कितना मांग रहे हो इसका? मांग रहे हैं 27,000 रुपए। कितने? 2 दांत पे? 2 दांत में ये बताइए, दांत बताइए। 2 दांत है। बताऊ? 2 दांत बता लीजिए, देखिए 2 दांत है। ठीक है, हाँ सही सही बताए। क्या खिला रहे हो? गेहूँ, गेहूँ और मक्का। गेहूँ और मक्का? ये गेहूँ है और ये मक्का है। वैसे क्या क्या खिलाते हो? गेहूँ मक्का? इसमें गेहूँ खिलाते हैं, मक्का खिलाते हैं, और ये पत्ती होती है लूम्बा जी, ये खिलाते हैं। ये वाला जो है ये कितना मांग रहे? इसके मांग रहे हैं साहब 37,000 रुपये। 36,000 रुपीज़। एनीबडी इंटरेस्टेड? S5 बाड़ा नंबर 14। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जानदार बकरा लेके आ रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त बकरा है। क्या नाम है आपका? अली नाम है। कहाँ, कौन से बाड़े पे हो? 476। 476। कितने दांत पे है ये? ये 6 दांत पे। कितना मांग रहे हो? 65,000। कितने किलो पे होगा? बहुत बड़ी है माशाल्लाह, बड़ा बकरा है, वजन में बड़ा कम है, लेकिन बकरा जबरदस्त है माशाल्लाह। नंबर क्या है आपका? 9930165106। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाम दो इनका और बकरा है। बड़े बड़े बकरे यहाँ पर दिखे हमें, बारह नंबर 456। ये व्यापारी दिख गए हैं, बेच चुके हो? ये बेच नहीं है, धनी नहीं है इसका। कितना मांग रहे हो? है क्या नहीं, धनी है क्या नहीं? अरे यहाँ कम नहीं है। हाँ, धनी नहीं है, धनी नहीं है। चलिए ऑन टू बाड़ा नंबर 432 आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, बकरे अच्छे लाए, नजर पड़ गई दूर से दो बकरे पे। आरिफ भाई आपका खुद का फार्म है क्या? नहीं, अपना आरके पे रहता है ना, आरके पे बकरे पाल। ये जेडी पे थे ना आपने बनाई वीडियो? अच्छा, ये ओके, ये जेडी वाला है, ये जेडी वाला है। आरी आरिफ भाई जे वडाला वडाला वडाला। तो आपके तो बर्बरी बकरा भी था क्या? सेल हो गया वो बिक गया। हाँ, आपने कमेंट डाला था वो सोल्ड आउट करके, उसके लिए कॉल मत करो। हाँ, बरोबर बोला। तो वो बिक गया, इसका दाम ज्यादा मांगे लगता आपने? इसका दाम ज्यादा नहीं, एक्चुअली इसका प्राइस लगा था, बंदे ने 3,000 टोकन भी डाला मेरे को, बट वो फिर कैंसिल कर रहे, तो मेरे को इधर लाना पड़ा। वो इसका बताइए, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है। ये पतीरा है, पतीरा अंडुल है, अंडुल ऑलमोस्ट 100 के करीब, 130 kg। 130 तो नहीं आरिफ भाई, 130 ये कल वेट होके निकला था, यहाँ पे वेट उसका कम हो गया, फिर भी वो नहीं नहीं बोल के 25 तक तो वेट हो ही जाएगा। मेरे हिसाब से देखिए, मैं तो झूठी बोलूंगा, मेरे मैं अंदाजे से 105 नहीं नहीं, लेकिन आप 124 बोलते पहले। आप आओ ना अंदर आके देखो ना बकरा, फ्रेम से देखो ना, आप थोड़ा खाट हटाओ, आओ ना ऊपर से, आओ ना फाद भाई, एक साइड से फ्रेम देखो। चलिए आरिफ भाई, कितने दांत हैं ये पूरे का? मेरा फेस क्या है ना, मोटा सा, क्या बकरा है माशाल्लाह। ये अपने पास
होगी कुर्बानी के लिए बेचने के लिए? ये अगर सेल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कुर्बानी के लिए। यार बहुत आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन देवना ना, बहुत अच्छा। बट एक्चुअली कैसा है ना, फायदा बकरे बहुत है, ये सब अपने पर्सनल है। तो डायरेक्ट पर जो अपन फार्म पे देख लिए वैसे बकरे नहीं देखने मिले, नहीं देखने मिले क्यों? ऐसे है 100 बकरे भी ऐसे 40,000 बकरे उतरे, 100 बकरे भी ऐसे नहीं देखने मिले होंगे मेरे को। हाँ, ये फार्म पे अलग फीड पे है और वहाँ जंगल में नहीं। मेरे ख्याल से क्या है पता है, बॉम्बे में आप देखो अलवरी बकरे कोई पालता नहीं, नहीं पालता। अब जितने भी उगरे 40,000 में से मेरे ख्याल 30,000-35,000 अलवरी बकरे, अलवरी बकरे, और अलवरी बकरे पता नहीं कोई पूछता भी नहीं है बॉम्बे में, है ना? ऐसा हो गया। और वही आते बिक्रे के लिए बच जाते। अच्छा इसका बताइए कितना कितना मांग रहे हो इसका? अपन 251 250,000 पूरे दांत कर लिया है, उम्र वाला बकरा 6 दांत है, पालने वाली पलटे नहीं कर सकते, पलटी नहीं कर सकते, ये पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, 250 मांग रहे हैं। अरे भाई नंबर क्या है आपका? 9664267321। ठीक है अरे भाई, ये भी जबरदस्त बहुत अच्छी फ्रेम का हंसा है माशाल्लाह। कितना मांग रहे हो इसका? 221,000 जबरदस्त यार, वो क्या भूल जैसी सिंग है। कल इसके पैसे लगे लेकिन कैसा नंबर आ रहा है 221 यार, ऐसे मत बोलो ना भाई, हंसा मिलते नहीं ना। आई नो नहीं मिलते, लेकिन मिलते तो भी 41 की हाइट थी, ऐसा दाम मिलेगा तो फिर कैसे पब्लिक भाई दाम लग रहे, थोड़ा लगा दाम लगा हमारी ऑडियंस के, थोड़ा अच्छा दाम तो बोलो। तो अच्छा दाम क्या, अभी अपने को फाइनल 160 में देना है, अब और क्या बोलूं। चलो देखो इतना कम कर डाले ना, 160 में देना है भाई। आरिफ भाई दोबारा नंबर बोलिए आपका, 9664267321। थैंक यू सो मच। वो आरिफ भाई लेट्स कंटिन्यू, एक तो ये बोल दिया आपने, कितना बोला इसका? 2,00,160,000 फाइनल ये हमसा सर्वगुण संपन्न है। और ये वाला, ये तो पसीरा, उसका भी हो गया फाइनल प्राइस वाला 45,000। कितने दांतों पर है ये? 2 दांत है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत कम देखने मिलते हैं, कितने दांतों पर है? पूरे दांत। कितना मांग रहे हो? 75,000 रुपीस इज द आस्किंग प्राइस। ये वाला, ये मालवा, मालवा कितना मांग रहे हो? इसका फाइनल 52,000। या ये वाला, ये शेरा छोटा, इसका फाइनल 55। उसकी हाइट जबरदस्त है, हाइट 41 हाइट, जलेबी से खूबसूरत बकरा है। कितने दांतों पर है? इसका नाम है मोहब्बत। कितना मांग रहे हो इसका? उसका 1,00,000 डिमांड है, 1,00,000 डिमांड है, 75 दे देंगे। ठीक है, बकरे शानदार है आपके पास, और भी है यहाँ पे, इसका बता दीजिए। ये खस्सी है, ये घर के लिए जाता है, ये मेवाती है, ये भी हाँ फाइनल 45। और ये भी बहुत बड़ा बकरा है, ये सिरोही, सिरोही कितने दांतों पर है? 6 दांत। कितना मांग रहे हो इसका? अपन 65। और ये भी क्या बैठा है जानदार, क्या कौन सा है ये? मेवाती। कितने दांतों पर है ये? 5 दांत। कितना मांग रहे हो इसका? 60,000। अरे मैं एक बात बोल दूँ, जितने भी बकरे देखा ना बाड़े, हाँ भाई आपके बाड़े पे सबसे अच्छे लगे, मेरे टाइप के बकरे हैं माशाल्लाह, मज़ा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नंबर नंबर 9664267321। थैंक यू सो मच आरिफ भाई, थैंक यू। मांग रहे हो इसका? 1,00,000 रुपये। कितने दांतों पर है? 6 दांत। 1,00,000 रुपये मांग रहे हैं, 100 किलो का बकरा लग रहा है, 100 से ज़्यादा ही लग रहा है, इनफैक्ट 105 किलो का लग रहा है, 100-105 का। 40-41 हाइट है या ज़्यादा है? 40 हाइट है, वाइट वाले की 44 होगी। कौन से बाड़े में है भाई आप? S4 में। S4 में, ठीक है, थैंक यू। पकड़ा गए, पकड़ा गए। लाओ वाइट वाले लाओ। इधर आ, इधर इधर आ, इधर आ। स्कूल बंक मारा सच्ची भाई? स्कूल बंक मारा है? नहीं नहीं, स्कूल जाके आए, जाके आए, छूट गए। अंजुमन का मैं भी हूँ, सुबह की छूट गई। कितने बजे? 7 बजे। 1 बजे छुट्टी है। अरे तो कितना बज रहा है? ट्रेन से आए ना तुम लोग? कितना बोला? नहीं तो एग्जाम नहीं लेंगे हम लोग। चलिए थैंक यू। नंबर 375 में है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। और कहाँ के रहने वाले हो दीपक? हम लोग कोटा के रहने वाले, राजस्थान से आए हो? हाँ वेरी गुड, मैं आया था देही में, था अभी देही में वीडियो बनाया।
बट कोटा बकरे नहीं लाए हो, कोटा से आए हो? इसकी बार नहीं लेकर आए, कोटा नहीं लेकर आए, वो बहुत मतलब वैसे रहते धमाल वाले, धमाल वाले, मार धाड़ वाले। कोटा तो गांव से बिक जाते हैं। हाँ, वो तो उनसे हमारे मतलब घर से निकल जाते हैं वो। अब मगर क्या है कि ये तो सो जाते हैं तो सीधा साधा रहता है, ये किसी से बोलता नहीं है ये। ओके ओके, इसलिए जो वही लेकर आए इसकी बार। चलिए आइए, ये है कोटा से और इनके पास कोटा बकरे हैं, लेकिन कुछ बकरे हैं उनके प्राइस बता देंगे। ये जो सामने बैठा है इसका, ये जो ब्राउन एंड व्हाइट है, कौन सी नस्ल है? नागोरी है। ये जो है 6 दांत पे है। और कितना मांग रहे हो इसका? इसका है देने वाला दाम, सही दाम मांगना, देने वाला, देने वाला दाम 140। वैसे देने वाला बोलो यार, मजाक मजाक मस्ती के लिए नहीं, मजाक वाला नहीं। 140 का कौन लेगा? 80-90 किलो का नहीं, नहीं नहीं, ऊपर एक 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 कुंटल के मतलब एक कुंटल से ऊपर का वजन का है। गजब करते हो यार। देखो 100 किलो का बकरा मेरे को वो लग रहा है, वो जो पीछे जो है ना, वो 105 किलो का बकरा लग रहा है, वो जो खड़ा है देखो कॉर्नर में, ये वाला बकर जो है ना, बकर बकर 105-110 किलो का बकरा लग रहा है, शानदार। यूट्यूब माशाल्लाह, क्या बकरा है उसका, कितना मांग रहे हो? ये देखो कैमरे पे देखो, वो वाला लंबे कान वाला, लंबे कान वाला मांग रहे हो? नहीं बुला मत, इसके यहाँ से दिख रहा है, कर रहा ना, कुछ मत करें। 135 135,000 रुपीज मांग रहे हैं, माशाल्लाह। 120 किलो प्लस है, 115 सामने देखो चल रहे, जो जुगाली कर रहा है ये प्योर नागौरी है। कितना मांग रहे हो इसका? 125 125,000। इसके बाजू उसका 110 110 बच्चे कितने में दे दोगे? ये जो जैसा बच्चा ऐसा कीमत, इसका तो अलग अलग रेट का है भाई, 18,000 वो जो टांग ऊपर करके खड़ा है वो 22,000 के बच्चे मांग रहे हो, गजब कर रहे हो यार आप, नस्लदार बच्चे। हमने थोड़ी मना किया, नस्लदार किसके बच्चे? इसके बच्चे, इसमें के बच्चे, ये वाले खड़े कर रहे हो बच्चे, अभी इसी के बच्चे, 2 साल बाद में देखा इनका, उनके जोड़ बन जा रहे हैं, ऐसा बच्चे और ये बाल जो है, ये बाल जो खूबसूरत बच्चा है, इसका कितना मांग रहे हो? 16,000 रुपए। ठीक है, 12 नंबर 375 नंबर देना चाहोगे आपका? हाँ नंबर है ना, क्या नंबर होता है? सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद कहाँ के रहने वाले हो? यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद से बरवरी बहुत लेके आते हैं लोग, वहाँ पर भी आस पास तहारपुर में मंडी लगती है ना? जी लगती है। तो वो अभी चालू रहेगी ईद के 10 दिन पहले, रोज के भाई एक ही मंगलवार को ही लगती है सर? मंगलवार को लगती है, अभी नहीं रहेगी रोज, ईद के पहले। तो बकरा मंडी कहाँ कब लगती है, अगर किसी को लेना हो ईद की कुर्बानी का बकरा मुरादाबाद में, वो कहाँ पे लगेगी? वहाँ हरदौन लगती है, एक शनि की शनिचर की लगती है मनोटा, और तारपुर लगती है मंगल। लेकिन अभी ईद के पहले तो रोज लगेगी ना, एक हफ्ता पहले? नहीं, वहाँ हर रोज ही लगती है, मगर अलग अलग जगहों पर लगती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। गया संडे को जोया हो गया, तो वहाँ पर बकरे नहीं बेचो, इतना दूर आए हो बम्बई में, क्या वजह? तो ये वजह है थोड़ा पैसा ज़्यादा यहाँ मिल जाता है। कितना ज़्यादा एक बकरे पे तकरीबन? की 2-3 हज़ार 2-3 हज़ार इंसान, लेकिन क्या क्या कर लेता है घूमने के लिए हिसाब से। वैसे बम्बई की गर्मी कैसी लगी आपको? बम्बई की गर्मी अच्छी लगी। हाँ बहुत भयंकर है, यूपी से भयंकर है कि नहीं? जी जी है ना। चलिए, कितने जानवर लाए, कितने बिके आपके? अभी बिके नहीं है, अभी लाकर उतारे हैं। अभी उतारे हो, उम्मीद है वो बिक जाएंगे? हाँ बिल्कुल। बारिश से डर है कि बारिश से कुछ परेशानी हो? डर नहीं है, बारिश की चाहत है अभी। बारिश की क्या हद है, हद बता देगी बारिश, ऐसे चेतावनी मत दो। पिछले साल तो बिल्कुल 48 घंटे में 1 मिनट को बारिश नहीं रुकी थी, पिछले साल लेकर आए थे हम 100 बच्चे। पिछले साल तो रुकी, अभी तो हो नहीं है बारिश, पिछले साल तो हम पूरी बारिश में ही रहे थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सुविधा आपको दी गई है, लाइट हो गई, मोबाइल चार्ज होने का सब हुआ सुविधा है, सरकार की तरफ से फुल सुविधा है रहने का। ओके भाई, एक मिनट जरा मारिए, एक मिनट मारिए मत, जरा वीडियो में 2 मिनट 2 मिनट ठीक है, आइए इधर से, इधर आइए भाई। बरबरी बकरे हैं ये, तकरीबन कितने दांतों पर हो गए मोस्टली? कितने दांतों पे हो गए? यानी 2, 4, 6 दांत, सब बच्चों हैं, 4 दांत 2 दांत 4 दांत 2 दांत के हैं, और हो गए 35 किलो के, 35-40 35-40 50
देने वाला दाम मांगो, कुछ भी कुछ मत बोला हम तो देने वाला दाम देने वाला, देने वाला दाम कितने से शुरू हो रहा है, कितने से शुरू हो रहा है इसका जो आया 25,000 से शुरू है। 25,000 से कितने तक के मिल जाएंगे? और 50,000 तक। 25 से 50, 50,000 का कौन सा मांग रहे हो? कौन सा बर्बरी है? वाइट वाला है। कौन सा? वो जो लाल रस्सी वाला है वो? तो उसमें क्या ऐसी बात है 50,000 मांग रहे हो? लेकिन असली जो बर्बरी है छाप देते हो ये नंबर देना चाहोगे आप लोगों का? क्या है नंबर? 90128 87529 कितना? 87529 वार्ड नंबर 540। ठीक है, मुरादाबाद के बर्बरी बकरे हैं, जिस किसी को भी लेना है आइए यहाँ पर 540 और इनसे खरीदिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद, शुक्रिया, थैंक यू। नाम है आपका? सलीम। पठानवाड़ी से? पठानवाड़ी। और आपका नाम? फहद। अरे वाह, मीरा रोड से आया हूं। मीरा रोड से? वहाँ पे लगी है मंडी अभी? मेडती है? अंजुमन में लगी है। मेडती है कि नहीं लगी है? नहीं मेडती है। लगने वाली थी ना, टूट गई वो। फिर बनाया मेरे ख्याल से? नहीं अभी नहीं बनी। मेरे और पठानवाड़ी में लगी है मंडी? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, लगने वाली है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू। ब्लॉग था, बहुत गर्मी है, एंड करते हैं। हमारे कंपेनियन थे, क्या नाम है आपका? अयान। अयान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आतिफ। आतिफ, थैंक यू सो मच आतिफ। अयान, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ, बंग मत करना अगले बार, ठीक है। भाई को चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बहुत प्यार दो भाई ने हमको इतनी गर्मी में, फ्रूटी पल्पी ऑरेंज। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलिए अल्लाह हाफिज़।